मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में कारम नदी पर निर्माणाधीन डैम में दरार आने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार दोपहर को डैम में लीकेज की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह अलर्ट की सूचना दी जा रही है। एहतियातन 13 गांवों को खाली करा लिया गया है। वहीं राजस्थान को जोड़ने वाले मुंबई आगरा फोरलेन धार मानपुर मार्ग सहित धार को मुंबई आगरा मार्ग से जोड़ने वाले सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है। गुरुवार को धार जिले के धर्मपुरी तहसील में स्थित कारम नदी पर करीब 305 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन डैम में लीकेज की सूचना प्राप्त हुई थी। लीकेज की सूचना मिलते ही कलेक्टर एसपी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और आसपास के दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी करवा दिया। ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है, साथ ही विशेषज्ञों का दल बुलवाकर सुधार कार्य की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें, डैम में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आंदोलन, धरने और भूख हड़ताल भी यहां के लोगों द्वारा की गई। डैम में लीक की सूचना से ग्रामीणों के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है, साथ ही डैम के निर्माण को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतते हुए डैम को खाली कराया जा रहा है, स्थिति पर नियंत्रण के प्रयास जारी है। कारण से अंदर दोबारा प्रवेश ना करें, इसके साथ ही साथ इसका सेल्यूस गेट भी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो अगले 10 से 15 मिनट में खुल जाएगा, जिससे पानी हम कंट्रोल वे में रिलीज कर सकें। सर, कोई तकनीकी खराबी पकड़ में आई है? अभी हमारा जो पहला चीज़ है कि पहला हम जो कोई भी यदि आपदा, संभावित आपदा हो सकती है यदि कोई, तो उसके लिए हम तैयार रहें और अभी उस गेट को खोल रहे हैं। बाकी इंजीनियर्स की टीम भोपाल से भी आ गई है, भोपाल से ENC वरिष्ठतम इंजीनियर भी आ गए हैं, यहाँ पर माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, तो राहत कार्य यदि आवश्यक रहेगा तो उसके लिए हम पूरा तैयार। गाँव वालों से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने घर छोड़ के और इधर मुझे पे आ जाएं। सभी लोग घरों से बाहर निकल आए, कृपया करके घरों के अंदर कोई नहीं रहे। डैम से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकलें, सभी लोग बाहर आ जाएं।